हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सब अच्छे हैं ना? आई होप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज है 23 सितंबर, दिन थर्सडे, और अभी टाइम हो रहा है सुबह का। और सुबह सुबह मेरे पास क्या काम होता है? सुबह सुबह मेरे पास बस घर की साफ़ सफाई का काम होता है कि जल्दी से फटाफट से घर की साफ़ सफाई करो, उसके बाद नहा करके खाने पीने की तैयारी करो। तो मैं फटाफट से पूरे घर में पोंछा लगा देती हूँ। और अभी मैं नहा करके सीधे किचन में आ गई हूँ, खाने की तैयारी में लग गई हूँ। खाने में मैं एक कुकर में लौकी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इस लौकी आलू की सब्ज़ी वैसे तो बहुत सिंपल होती है, पर खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है। और वैसे भी मुझे तो आलू बहुत पसंद है, मुझे तो हर सब्ज़ी में आलू चाहिए। और आज तानिशु नहीं है तो ना घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, एकदम काटने को दौड़ रहा है। लग ही नहीं रहा कि घर में कोई है, बस हम ही दोनों मियाँ बीवी हैं। तो हम दोनों अपने अपने काम में लगे रहते हैं, इतना टाइम ही नहीं है कि एक दूसरे के पास बैठ करके आराम से बात भी करें। तो ये लीजिए, आप लोगों से बात करते करते हमारे लंच भी पैक हो गए हैं, और मैं इनको अपने बैग में अपना लंच रख दे रही हूँ, और इनके बैग में इनका लंच रख दे रही हूँ। पानी की बोतल वगैरह सब पैक करके रख दे रही हूँ। जब तक ये नहा करके आ रहे हैं, तब तक मैं इतना काम कर लेती हूँ। और अभी बस खाना वगैरह बना करके लंच वगैरह पैक करके कुछ बर्तन है तो मैं इन्हें भी धुल के रख दे रही हूँ, ताकि मुझे स्कूल से आके ना धुलने पड़े। क्योंकि स्कूल से इतना थके हुए आते हैं ना कि कुछ काम करने का मन नहीं करता है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि सारा काम करके जाऊँ, ताकि मुझे स्कूल से आके काम ना करना पड़े। लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, कोई ना कोई काम छूट ही जाता है जो मुझे स्कूल से आके करना पड़ता है। दोनों फ्रेंड नीला मैम, रंजना मैम, जिनसे आप काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हो। तो कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद मिल करके मेरी फ्रेंड से? अच्छा लग रहा है? नहीं बताओ। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। अभी हमें क्लास लेने जाना है भाई, स्कूल आए हैं, किस लिए आए हैं? बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तो बच्चों को पढ़ाने जाना है। अब रंजना मैम तो नीचे ही रहेंगी, नर्सरी क्लास है ये उनकी, तो उसमें तो बच्चे आने नहीं हैं, ऑनलाइन क्लास लेनी है। तो ये आराम से बैठकर या चेयर पे आराम से बैठ करके मोबाइल पे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगी। और मैं और नीलम मैम जा रहे हैं ऊपर अपनी अपनी क्लासेस में, क्योंकि हमारी क्लास के बच्चे तो आएंगे 6 to 9 के, तो और हमें तो स्टेयर्स चढ़ करके ऊपर नीचे भागना है। तो जब तक छुट्टी नहीं हो जाती है, तब तक हमको ऐसे ही क्लासेस लेनी है। तो आप लोगों से क्लासेस ले करके तब मिलते हैं। अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ, और स्कूल से आते ही ना मैं सीधे कपड़े धुलने बैठ गई हूँ, क्योंकि इनके बहुत सारे कपड़े गंदे हो रहे थे। तो ज़्यादा तो नहीं धोए हैं मैंने, इनकी 2 शर्ट और 2 पैंट और 1 लोअर और अपने कुछ कपड़े धुल दिए हैं मैंने। अभी इकट्ठे तो मेरे से कपड़े धुलते नहीं हैं, इसलिए कुछ आज धोती हैं, कुछ कल धो दूँगी। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों से। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, IPL शुरू होने वाले हैं, तो हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर IPL को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं, आपकी क्रिकेट की यही स्किल्स आपको 10 करोड़ तक जिता सकती है, तो आप लोग T20 सीजन के विनर बनिए प्लेयर स्पोर्ट ऐप पर, और मुझे चैलेंज कीजिए इंडिया का नया मैदान पर। प्लेयर स्पोर्ट ऐप पर आप अपनी खुद की क्रिकेट टीम बनाकर लीग को ज्वाइन कीजिए, और इस इंडियन लीग में आपको ₹10 लाख तक की ग्रैंड लीग में फ्री एंट्री का भी मौका मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको 1.2 करोड़ का लेदर बोट और BMW बाइक जैसे बहुत सारे प्राइजेस भी जीतने का मौका मिल रहा है। और वैसे तो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट गेम लूडो है, लेकिन यहाँ पर लूडो के साथ साथ शीप फाइट, सांप सीढ़ी, चेस और हाउस पेस और साथ में रमी भी खेल सकते हैं आप यहाँ पर। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि प्ले स्पॉट ऐप ही क्यों, तो आप लोगों को मैं बता दूं, प्ले स्पॉट ऐप बिल्कुल सेफ ऐप है, आपका जो पैसा है बिल्कुल सेफ है यहाँ पर, क्योंकि भारत का बना हुआ ऐप है, मेड इन इंडिया ऐप है, तो आपका जीता हुआ पैसा कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 7 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स डेली खेलते हैं, तो आपको कोई भी गेम खेलने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो भी विनिंग्स जीतेंगे, जो भी प्राइजेस जीतेंगे,
अब जो भी पैसा यहाँ पर जीत रहे हैं खेल करके वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बिना केवाईसी के। तो फिर देर किस बात का है इंतजार, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से प्ले स्पॉट ऐप को डाउनलोड कीजिए और मुझे चैलेंज कीजिए और खेलिए मेरे साथ लूडो और जीतिए ₹10 करोड़ तक की विनिंग्स। तो भूलना नहीं, अभी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए और लिंक से प्ले स्पॉट ऐप को डाउनलोड कीजिए। और ये लीजिए हमारे तांशु जी की वीडियो कॉल आ गई है और मुझसे कह रहे हैं कि मम्मा मुझे आकर के ले जाओ, मुझे आपकी याद आ रही है। पहले खुद ही ने बोला था कि मुझे कुछ दिन नानी के लिए छोड़ दो, मेरे एग्ज़ाम हो गए हैं, और अब खुद ही कह रहे हैं कि मुझे ले जाओ। वैसे मेरा भी मन नहीं लग रहा तांशु के बिना, तो इसलिए मैं 2 दिन बाद संडे को जा रही हूँ तांशु जी के पास अपने बेटे को लेने। और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, मैं बस मार्केट से थोड़ा बहुत घर का सामान लेना था वो लेकर के लौटी हूँ। तो ये टोस्ट का पैकेट है और ये कॉटन है पूजा के लिए, दीपक जलाने के लिए चाहिए, ख़त्म हो गई थी तो ये भी एक है। और चाय पत्ती, ये चाय पत्ती का पैकेट है ओके चाय। और ये है आपका भुना हुआ दलिया आधे किलो का पैकेट है। और ये मसूर की दाल है आधे किलो। और ये थोड़ा सा नारियल का बुरादा लेके आई हूँ कुछ मीठा बनाने के लिए। ये मिल्क पाउडर का पैकेट है। और ये मिश्री है भगवान जी का भोग लगाने के लिए, तो भगवान जी का भोग भी ख़त्म हो गया था तो ये मिश्री लेके आई हूँ मैं। ये बूरा है, ये धूपबत्ती का पैकेट है। और ये 2 किलो चीनी है। और ये 2 छोटी इलायची के पैकेट है। वैसे हमने एक ही छोटी इलायची का पैकेट लिया था, लेकिन जब तांशु के पापा ने यहाँ पर ये लिखा देखा ना कि बाई 2 पाउच गेट 1 फ्री बाउल, कि 2 पाउच के साथ 1 कांच का बाउल फ्री है, तो उन्होंने कहा एक और दे दो, कम से कम 1 बाउल फ्री में तो आ जाएगा। मैंने तो मना भी किया लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो छोड़नी नहीं चाहिए। और इन 2 पैकेट के साथ ये 1 कांच का बाउल फ्री मिला है। और अपने लिए मैं ये रेड कलर की बिंदी का पत्ता लेके आई हूँ, मेरी बिंदी ख़त्म हो गई थी नहीं, तो मैं ये रेड कलर की बिंदी का पत्ता लेके आई हूँ। और पहले से इनका साइज़ बड़ा है, आप लोग कहते हो ना मैं बहुत छोटी बिंदी लगाती हूँ दिखाई नहीं देती, तो पहले से थोड़ा सा बड़ा बिंदी का पत्ता लेके आई हूँ मैं, थोड़ी सी बड़ा साइज में है ये बिंदी। और ये एक लिपस्टिक है मैट की, रेड कलर की लिपस्टिक भी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो एक लिपस्टिक लेके आई हूँ अपने लिए। और अभी मैं कुछ मीठा बनाने जा रही हूँ, तो मैं मार्केट से ये नारियल का बुरादा और मिल्क पाउडर लेके आई हूँ। इनसे मैं कुछ अलग नई तरीके की स्वीट डिश बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने ये ड्राई फ्रूट्स में बादाम और पिस्ता काट के रखे हुए हैं, और ये छोटी इलायची रखी हुई है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देख, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप में थोड़ा सा खाली है नारियल का पाउडर लिया है, और उतना ही मिल्क पाउडर लिया है, और 1/2 कप मैंने इसमें बूरा डाल दिया है। और अब मैंने इसमें दरदरी कुटी हुई इलायची ऐड की है और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ मैं। इसके बाद ना मैंने इसमें 1/2 कप से भी आधा, बल्कि उससे भी थोड़ा कम मैंने दूध इसमें ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। दूध में मतलब एक आटा सा तैयार करना है, सॉफ्ट आटा। और इसमें मैंने जो दूध ऐड किया है ना बिल्कुल ठंडा दूध है, गर्म दूध हमें इसमें यूज़ नहीं करना है। और दूध भी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, थोड़े से ही दूध में काम हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें कटे हुए बादाम पिस्ता मिक्स करके एक प्लेट में घी लगा करके इस बैटर को फैला लिया है, और फिर उसे हाथ से अच्छे से जो है सॉफ्ट कर लिया है। फिर मैं इसे लंबाई में फैला करके इसको ट्रायंगल शेप दे रही हूँ, और इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे चौकोर दे लीजिए या फिर गोल गोल लड्डू बना लीजिए, पेड़े बना लीजिए, जो बनाना चाहो वो बना सकते हो इसके। इसके बाद मैंने इसे फॉइल पेपर पे रखा है और ट्रायंगल शेप दे करके इसे चारों ओर से फॉइल पेपर से कवर कर दिया है, जिससे कि ना इसकी जो शेप है वो अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक मेरी स्वीट डिश सेट हो रही है तब तक मैं आप लोगों से अपने मन की कुछ बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप सब मेरी YouTube फैमिली हो, मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो आप लोगों से मन की बात करके मेरा मन हल्का हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि तांशु जो है अपनी नानी के पास चले गए हैं, कुछ दिनों के लिए ही गए हैं, 2 दिन बाद मैं उन्हें ले आऊँगी अपने पास। लेकिन अभी पता है कि तांशु इतने दिनों से अपने नानी के साथ रहा है, तो उसे पता नाना नानी से बहुत लगाव हो गया है, उसे नाना नानी भी चाहिए, मम्मी पापा भी चाहिए, दादू दादी भी चाहिए, उसे सब चाहिए। और मेरा खुद भी मन करता है कि मैं जो है अपने परिवार के साथ रहूं, अपने ससुराल में रहूं, सबके साथ रहूं। मेरा खुद का मन करता है, मुझे खुद यहाँ अकेले अच्छा नहीं लगता है।
अब क्या कर सकते हैं, अब बेटे को भी कैसे समझाऊं कि सारे लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, मजबूरी है बेटा, पर क्या कर सकते हैं। उसका मेरे बेटे का मन जो है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पता है हाथस में, यहाँ पर स्कूल में तो चलो उसके यार दोस्त वगैरह हैं तो उसका मन लग जाता है, लेकिन स्कूल से आके जब यहाँ घर आता है तो एक चार दीवारी में कैसा हो जाता है, कहीं भी बाहर आने जाने का हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम उसको बाहर घुमाने ले जा सकें या उसके साथ बैठ कर खेल सकें, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो वो भी अकेला अकेला बहुत फील करता है अपने आप को, तो उसका मन लग करता है कि कभी नानी के पास, कभी दादू दादी के पास। तो बस यही सोचती रहती हूँ कि भगवान ने क्या बना दिया मेरी ज़िंदगी। मैं तो हमेशा आगरा में ही रहना चाहती थी और भगवान से यही दुआ करती थी कि भगवान मेरी शादी आगरा में ही हो, और आगरा में ही हुई, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हाथरस में रह रही हूँ, जबकि मेरा मायका, ससुराल और मोस्टली रिलेटिव्स भी मेरे आगरा में ही रहते हैं, उसके बावजूद भी मैं यहाँ हाथरस में हूँ। तो मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में वो दिन कब आएगा कि जब मैं आगरा में अपनी फैमिली के साथ रहूँगी, अपनी फैमिली के पास रहूँगी। मुझे तो खुशी होगी होगी, मेरे बेटे को भी खुशी होगी, अगर उसका कभी नाना नानी से मिलने का मन कर रहा है तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा उसे नाना नानी के पास ले जाने के लिए। बच्चों को अपने पूरे परिवार के साथ रहने की बहुत ज़रूरत है, अगर वो अपने परिवार के साथ रहेंगे नहीं तो उन्हें अपने परिवार की इम्पोर्टेंस पता कैसे चलेगी। अगर फैमिली के साथ रहेंगे तभी तो उन्हें अपने फैमिली की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि फैमिली होती क्या है। तो बस मेरी यही परेशानी है। अभी हम अपनी स्वीट डिश देख लेते हैं, सेट हो गई होगी। और ये लीजिए, नारियल पाउडर और मिल्क पाउडर से बनी हुई हमारी स्वीट डिश रेडी है, और ये सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं है बल्कि खाने में भी टेस्टी है। तो ये लीजिए पहला बाइट आप लोगों के लिए, और खा करके बताइए कैसी बनी है। तो दोस्तों मुझे पता है आप लोगों को मेरी बनाई हुई ये स्वीट डिश पसंद जरूर आई होगी। अब मेरे हस्बैंड जी को कैसी लगी है, इनसे भी इनकी राय ले लेते हैं। लीजिए चखिए, टेस्ट कीजिए, बताइए। गाइस देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसी लग रही है। हाँ टेस्ट करके बताओ, क्या बात है, बड़ी मेहनत की। बताओ टेस्ट करके कैसी है। बहुत बढ़िया, अच्छी है, टेस्टी है, बहुत बढ़िया बनी हुई दोस्तों। चलो मेरी मेहनत सफल हो गई, आप लोगों को भी पसंद आई और इन्हें भी पसंद आई है, मजा आ गया। तो चलिए दोस्तों, टाइम काफी हो रहा है, पूरे दिन लगी रही हूँ मैं, स्कूल, घर के काम, फिर ये स्वीट डिश, और भी बहुत सारे काम किए हैं मैंने आज। तो चलिए अब अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। लेकिन जाने से पहले मेरी आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।